आज हमारे यहाँ हम किसी का विरोध करें ना तो लोग ये कहते हैं कि इनको क्या हो गया। हमने कहा हक की नुमाइंदगी करना और बातिल का विरोध करना ये रसूलुल्लाह के यार की सुन्नत है। हाँ आज हमारे यहाँ खिलाफ शरा नहीं खिलाफ अकाइद गुफ्तगू होती है तो हम लोग सब खामोश हैं, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हक की नुमाइंदगी के लिए अल्लाह जिनका चुनाव कर लेता है ना तो फिर कोई मदद करे या न करे अल्लाह जरूर मदद फरमाता है। और उसकी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, दौरे सिद्दीकी बता रहा हूँ आपको। हाँ इसलिए कि सिद्दीकी कहला लेना तो बड़ा आसान है, हुसैनी कहला लेना तो बड़ा आसान है, फारूकी कहला लेना तो बड़ा आसान है, उस्मानी कहलवाना तो बड़ा आसान है, अलवी कहलाना तो बड़ा आसान है, कादरी कहलाना बड़ा आसान है, चिश्ती कहलाना बड़ा आसान है, लेकिन हक की नुमाइंदगी करना ये सबका मिजाज नहीं। हक के लिए भी रब का इंतखाब होता है, चुनता बंदा एक है लेकिन जब उसे खड़ा करता है तो पूरी जमात उसके पीछे लगा देता है। और उसकी मिसाल मैं दौरे सिद्दीकी से दे रहा हूँ। आज हमारे यहाँ नियाज के लिए तो बड़े आम है, हमारे यहाँ वाह वाह के लिए हम बड़े आम है, लेकिन जब नबुवत पर हमला होता है ना तो कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीकियत पे हमला होता है सब खामोश है, फारूकियत पर हमला होता है सब खामोश है, उस्मानियत पर हमला होता है सब खामोश है, और जब अलवियत पर हमला होता है सब खामोश है, सैयदाए कायनात की तहारत पर बात होती है सब खामोश है, इमाम हुसैन की शहादत पर लोग उंगलियां उठाते हैं सब खामोश है। ये जमीर मर जाने की अलामत है, गैरत जिसकी जिंदा होती है ना तो फिर वो दौरे सिद्दीकी में ये काम करता है।